नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक एटूटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं हैंड स्पीड इंडिकेटर या इसको बोलते हैं हैंड स्पीड टैकोमीटर। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, क्या होता है, वो हम समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम दृष्टि से भी बी टेक या इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं और जनरली भी इसका यूज़ होता है इंडस्ट्री में, तो समझ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक हमारा है हैंड स्पीड इंडिकेटर या इसको बोलते हैं हैंड स्पीड टैकोमीटर। यानी कि स्पीड का जनरली आप मैनुअली या डायरेक्टली मतलब मेजरमेंट करने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम किसी भी आपकी शाफ्ट है या रोटेटिंग कोई पार्ट है उसका यदि हमको स्पीड मेजरमेंट करना है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है और मिनी इंस्ट्रूमेंट है स्पीड का जनरली मेजरमेंट करने के लिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखें कि एक ये स्पिंडल है। स्पिंडल का मेन रोल होता है स्पीड मेजरमेंट करने में, जिस पार्ट में जिस ऑब्जेक्ट का जिस रोटेटिंग शाफ्ट का या जिस मूविंग आपका इक्विपमेंट की हमको स्पीड मेजर करना होता है उस पर हम इसको अटैच कर देते हैं स्पिंडल को। इसमें इसके बाद इसमें देखें क्या, एक पूरा डायल आपका हुआ है जिसमें आपका एक आपका इंडिकेटर है, स्केल बनी हुई है इसे जो कि स्पीड के फॉर्म में कैलिब्रेटेड है। प्लस इसमें एक रहता है आपका स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच का मेन रोल रहता है इसमें, वो समझेंगे हम। और एक रहता है स्टार्टिंग एंड रीसेट बटन, बस इतना सा रहता है, एक छोटा सा है पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट रहता है स्पीड मेजरमेंट करने के लिए। तो कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई रोटेटिंग शाफ्ट है या रोटेटिंग आपका इक्विपमेंट है, रोटेटिंग आपका कोई पार्ट है उसका यदि हमको स्पीड मेजर करना है तो सबसे पहले हैंड स्पीड इंडिकेटर या हैंड स्पीड टैकोमीटर है इसको हम लेंगे और इसको पहली बात तो रिसेट कर देंगे, रिसेट बटन प्रेस करके। रिसेट करने से क्या हुआ, आपका सारे पॉइंटर जीरो पर जाएंगे, स्टॉप वॉच आपकी बंद रहेगी, ठीक है, स्टॉप पोजिशन में रहेगी। और इसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को कि स्पीड को मेजरमेंट करना है, जिस शाफ्ट की स्पीड मेजर करना है उससे अटैच कर देते हैं इस हैंड स्पीड इंडिकेटर के स्पिंडल को, मतलब कि स्पिंडल को हम उस पर टच कर देंगे, प्रेस कर देंगे मैनुअली हैंड में लेके। और इसके बाद जैसे हम टच करेंगे, चूंकि रोटेटिंग स्पीड है, रोटेटिंग शाफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग स्पिंडल भी आपका उस रोटेटिंग पार्ट, रोटेटिंग इक्विपमेंट या रोटेटिंग शाफ्ट के स्पीड से ही आपका स्पिंडल भी मूव करने लगेगा, घूमने लगेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर हम दबाएंगे स्टार्टिंग बटन का, ये इसको प्रेस कर देंगे। स्टार्टिंग बटन प्रेस करेंगे तो आपकी स्टॉप वॉच क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ये स्टार्ट हो जाएगी, हमारा स्पिंडल मूव कर रहा है उसको मूव करने से आपका, जैसे ही हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर टाइमर ऑन हो जाएगा। उस टाइमर के अकॉर्डिंग ही हम इसमें देख लेंगे कि जो RPM है उस शाफ्ट के, उस रोटेटिंग आपका इक्विपमेंट है उसके, वह RPM आपको आ जाएंगे। RPM क्या होते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि RPM या RPS रेवोल्यूशन पर सेकंड या पर मिनट में कितनी आपकी ये रेवोल्यूशन हो रहे हैं वो काउंट करेंगे हम इसके द्वारा। कैसे करेंगे, एक RPM मेजर कर रहा है तो एक मिनट में कितने आपके रेवोल्यूशन हो रहे हैं ये आपको यहाँ देखेगा, या सेकंड में हम मैनेज कर रहे हैं तो एक सेकंड में कितने आपके ये पॉइंटर मूव कर रहा है, ठीक है, वो हमको यहाँ स्टॉप वॉच में दिखेगा। और ये डायरेक्टली हम रीडिंग यहाँ पे अब ले लेंगे। तो इस तरीके से हम रोटेटिंग पार्ट या रोटेटिंग शाफ्ट है या रोटेटिंग इक्विपमेंट है उसकी स्पीड आसानी से मेजर कर सकते हैं, एक एवरेज अनुमान लग सकते हैं फील्ड में, ठीक है। मैनुअली है ये इंस्ट्रूमेंट, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है, पोर्टेबल है, इसको आप कहीं भी इंस्ट्रूमेंट में जहाँ मेजरमेंट करना होता है, इंडस्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम है, इंडस्ट्री में जहाँ भी आपकी प्रोसेस चल रही है यहाँ पर आपको शाफ्ट का मेजरमेंट करना हो वहाँ पर इसका आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे हम, जैसे ही मान लो RPM है, रेवोल्यूशन पर मिनट में आप रीडिंग ले सकते हैं, RPS में ले सकते हैं, और जैसे ही आपको लगता है कि एक मिनट हो गया या एक सेकंड हो गया या 10 सेकंड हो, जो भी, उसके बाद आप वापस जैसे स्टार्ट बटन दबा दिए, फिर आप स्टॉप करेंगे, इसको रिसेट करेंगे तो आपका ये क्लॉक आपकी बंद हो जाएगी और आपकी डायरेक्ट रीडिंग आपकी आ जाती है। वेरी सिंपल है, आप एग्जाम आसानी से लिख सकते हैं। यदि आप पूछ जाएगी हैंड स्पीड इंडिकेटर के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए या हैंड स्पीड इंडिकेटर टैकोमीटर के बारे में लिखिए, तो आप इसको डायग्राम बनाएंगे तरीके से, इसके बाद इसमें लिखेंगे कि स्पिंडल रहती है जिसको जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजरमेंट करना होता है उससे ये इसको अटैच किया जाता है या उस पर इसको लगाया जाता है। इसके बाद एक डायल रहता है जो स्पीड के फॉर्म में कैलिब्रेट रहता है, स्टॉप वॉच रहता है, इसके बाद स्टार्टिंग एंड रिसेट बटन रहता है जो कि स्टॉप वॉच को रिसेट स्टार्ट स्टॉप करता रहता है, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करना हो तो उससे स्पिंडल कनेक्ट कर देंगे, स्पिंडल आपका मूव करेगा तो आपका ये पॉइंटर भी मूव करेगा डायलर का, लेकिन उस केस में आप जब हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो आपका ये स्टॉप वॉच का टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन होते ही इसमें हम स्पीड की कैलकुलेशन हमारी या काउंटर इसका ऑन हो जाएगा, वो काउंट करता रहेगा आपका एक मिनट में कितने रेवोल्यूशंस मूव हो रहे हैं या एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, कितने राउंड आ रहे हैं, वो हम रीडिंग ले लेंगे, वही स्पीड रहेगी हमारी ऑब्जेक्ट की। तो इस तरीके से हैंड स्पीड इंडिकेटर या हैंड स्पीड टैकोमीटर के द्वारा किसी भी
अननोन स्पीड का या रोटेटिंग शाफ्ट की स्पीड का मेजरमेंट बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था हैंड स्पीड इंडिकेटर, इसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। आपको विशेष इसमें डायग्राम का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, डायग्राम बनाएंगे तो आप बहुत आसान तरीके से आपको समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हैंड स्पीड इंडिकेटर या हैंड स्पीड टैकोमीटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आप डायग्राम को अच्छे से देख लें, इसको बना लें, और इसके अलावा भी कोई डाउट है क्वारी कमेंट करके निश्चित पूछ सकते हैं, निश्चित हम उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आप चाहते हैं और अन्य वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो सब्सक्राइब करके आप हमारे अशोक ETUTOR यूट्यूब चैनल को, साथ में देखिएगा बेल आइकन नोटिफिकेशन उसको भी ऑन कर दें। इसके बेनिफिट्स आपको हम बता चुके हैं कि हम इस चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस पब्लिश करते रहते हैं। हम जब भी नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।